दोस्तों, अगर आपके भी एसी का रिमोट खराब हो जाता है और वर्क नहीं करता है तो किस तरह से आप अपने एसी को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपका रिमोट खराब हो जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एसी में कोई भी बटन तो दी नहीं गई है जहाँ से जाकर के आप इसको जो है चालू या बंद कर सकें या इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकें। तो अगर आपका जो रिमोट काम नहीं कर रहा है तो किस तरह से आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, पूरी तरह से समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर बीच में अधूरा आप वीडियो छोड़ देंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मैं अपने मोबाइल से दिखा रहा हूँ ये मेरे में पूरी तरह से वर्क कर रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके मोबाइल भी जो है वर्क करेगा और रिमोट की तरह आपका मोबाइल काम करेगा। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाकर के एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है, एमआई का भी है, बट ऊपर वाला आपको जो दिखाई दे रहा है रिमोट एसी यूनिवर्सल और ये राफिया यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब आपको एसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, एसी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सभी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, आपकी एसी जो है किस कंपनी की है अगर इस लिस्ट में होगा। वैसे तो लगभग सभी इसमें लिस्ट दी गई है, कोई नई कंपनी है बाकी की सभी जो है यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है। यहाँ पर हमारी जो एसी वोल्टास की है, वोल्टास सर्च कर लूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टास यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है, आपको कंपनी सेट कर लेना है और आपको क्या करना है यहाँ पर बस क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसी 1, एसी 2, एसी 3, यहाँ पर जब तक आपकी एसी जो है वर्क ना करने लगे तब तक आपको ट्राई करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने दबाया, वर्क नहीं कर रही, नहीं वर्क कर रही, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे वर्क करने लगी, पता चल जाएगा एसी हमारी बंद हो जाएगी। आपके सामने देखिए, तो मैं इसको बराबर प्रोसेस कर रहा हूँ आपके सामने, इसका आपको ये नहीं लगे कि हाँ जो है यहाँ पे जो भी मेरे वर्क करेगा वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर क्योंकि मॉडल बदलते रहते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मॉडल होते हैं किसी कंपनी के, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि कोई यहाँ पे वर्क करे, कोई अगर आपकी नई एसी है बिल्कुल तो सकता है मॉडल इसमें ऐड ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से मुझे करते जाना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं यहाँ पे मॉडल के, जो मेरे वर्क करेगा वो इसी को मैं सेव करूंगा, यहाँ पर नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक बीप की आवाज कनेक्ट हो जाएगा, तो अभी तो नहीं हो रहा है। ये देखिए वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं एसी बंद हो रही है ऊपर आप देखिए, और एसी चालू भी यहीं से हो जाएगी। देखिए बीप की आवाज आपको सुनाई दे रही है, यहाँ से बंद हो गया है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप आवाज सुनाई देने लगी आपको, बस आपको यस कर देना है। देखिए यस जैसे ही किया आपने, फिर आप यहाँ से, अभी बंद हो गई थी तो आपको यहाँ से इसको ऑन भी कर लेना है। ठीक है, ये देखिए एसी ऑन हो गई। आप ऊपर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये रेटिंग के लिए बोला तो रिमाइंडर में कर दूंगा और यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। आप सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर को घटा के बढ़ा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पूरी तरह से हमारी एसी यहाँ पर नंबर कर रही है, 16 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 16 वहाँ पे दिखाई दे रहा, 15 ये देखिए। तो इस तरह से जो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मोड वगैरह है, सभी मोड यहाँ पर वर्क करेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं मोड आ गए यहाँ पर, कोई भी मोड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है पूरा एसी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने बंद कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊंचा पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए जो है ये देखिए बंद हो गई एसी। यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगी, ये देखिए ऑन हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही जो है अच्छे से वर्क करने लगा है। अब मुझे रिमोट की जरूरत नहीं है, यही मेरा रिमोट हो गया है। अब जब भी मुझको जो है इसको यूज करना है, इसको यहाँ पे आइकन को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा लोड लेगा और बस यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे लास्ट वाला आपने जो सेव किया हुआ था, ये देखिए आ गए हैं। यहाँ पर जो नंबर था वो 16 नंबर था और यहाँ पर देख सकते हैं बराबर ये वर्क करता है। आप दोस्तों बताइए आपके में जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जो है अगर नहीं कर रहा होगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। धन्यवाद।